वेलकम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट लॉगिन विथ डेटाबेस। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन किया है और डेटाबेस में हमने एक टेबल भी यहाँ पर बनाया है, लॉगिन टेबल, जिसके अंदर दो कॉलम है, यूज़र नेम और पासवर्ड। और मैंने ऑलरेडी एक रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट किया है, यूज़र नेम इज़ रितेश एंड पासवर्ड इज़ RM123। तो मुझे अभी लॉगिन परफॉर्म करना है और जो मैं यूज़र नेम और पासवर्ड चेक करूंगा वो डेटाबेस से चेक करूंगा। अगर यहाँ इंटर किया हुआ यूज़र नेम और पासवर्ड इसके साथ मैच हो जाए तो ही सक्सेसफुल लॉगिन होना चाहिए। तो हमें लॉगिन टेबल से डेटा को रीड करना है और हमने देखा है कि हम डेटा रीड करने के लिए एक तो डेटा रीडर यूज़ कर सकते हैं या फिर डेटा टेबल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम डेटा टेबल यूज़ करके लॉगिन फॉर्म बनाएंगे और काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट्स सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। और अगर आपको डेटा टेबल यूज़ करना है तो आपको और एक नेम स्पेस इम्पोर्ट करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट डेटा। और फिर हमको ऑब्जेक्ट बनाने हैं, सबसे पहले डीम CN एज SQL कनेक्शन, कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए डीम CMD एज SQL कमांड, कमांड क्वेरी फायर करने के लिए डीम DA एज SQL डेटा अडैप्टर, DT एज डेटा टेबल, क्योंकि यहाँ पर हम डेटा टेबल यूज़ करने वाले हैं तो डेटा अडाप्टर भी आपको लगेगा। कनेक्शन का कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो कि हमने ऑलरेडी लिखा है, कॉपी एंड जस्ट पेस्ट हियर एंड नो नीड टू राइट दिस। ये सिर्फ हमने टेस्टिंग के लिए लिखा था, तो सिर्फ आपने कनेक्शन स्ट्रिंग, अभी ये टेस्टेड कनेक्शन स्ट्रिंग है तो मुझे दोबारा से इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने CN को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है और बाकी सारा कोड मैं इस लॉगिन बटन के क्लिक पर लिखूँगा। तो सबसे पहले आपको CMD इनिशियलाइज करना है और CMD को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, CMD इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, यहाँ रहेगी आपकी क्वेरी और यहाँ पर रहेगा कनेक्शन जो कि ओपन कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। तो हमें इस टेबल से डेटा फेच करके लाना है और उसके लिए मैं क्वेरी लिखूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर यूज़र नेम इक्वल्स टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल्स टू दिस। इस तरीके से हमें सिलेक्ट क्वेरी लिखनी है। देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर यूज़र नेम इक्वल्स टू रितेश एंड पासवर्ड इक्वल्स टू RM123। तो ये मेरी सिलेक्ट क्वेरी है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर और इस क्वेरी से मुझे ये एक रो मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ Ritesh1 और इसको एग्जीक्यूट करूँ तो भी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड की जगह लिखूँ RM1234 और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो भी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अगर यूज़र नेम के अंदर रितेश है और पासवर्ड के अंदर RM123 है तो ही जाके हमें क्या मिल रहा है, एक रिकॉर्ड मिल रहा है या फिर रिजल्ट सेट के अंदर डेटा मिल रहा है। इसको आप रीड करो एक तो डेटा टेबल के थ्रू या फिर रीडर के थ्रू, हम देख रहे हैं डेटा टेबल। तो अगर मेरे डेटा टेबल का रो काउंट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी, अगर डेटा टेबल का रो काउंट 0 नहीं है, इसका मतलब जो भी मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है दैट इज़ करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। तो इसी को हमको चेक करना है। तो यहाँ से हम ये क्वेरी उठा लेते हैं, कॉपी, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और आपको पता है रिप्लेस क्या करना है, इस नाम की जगह हम लिखेंगे डबल कोट एम परसेंट
ampersand double quote और इसके बीच में मैं लिखूंगा txt username dot text। उसी तरीके से password double quote ampersand ampersand double quote txt password dot text। ये हो गया कमांड। कमांड से पहले दो चीज़ें हमें और करनी है। da equals to new sql data adapter dt equals to new data table, इसको इनिशियलाइज कर लो विद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड देन वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। da dot select कमांड equals to cmd, फिर जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हमें डालना है डेटा टेबल के अंदर एंड डोंट फॉरगेट टू ओपन द कनेक्शन cn dot open, फिर कमांड असाइन करना है और फिर हमें लिखना है da dot fill dt और फिर कनेक्शन को क्लोज करना है cn dot close। ये हमने देखा है डेटा टेबल को कैसे यूज़ करना है। अब इसके बाद जो कोड लिखना है मुझे चेक करना है कि डेटा टेबल के अंदर कुछ रो प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसको आप सिंपल तरीके से चेक कर सकते हो, इफ dt dot rows dot count greater than zero, greater than अगर zero मुझे मिल रहा है after executing this query, it means that आपने जो भी username और password डाला है that is correct, otherwise wrong। तो जैसे ही correct है हमको form one open करना है। सबसे पहले एक message हम दिखा देंगे, login successful, और उसके बाद हमको डिस्प्ले करना है फॉर्म वन डॉट शो। एल्स अगर ये रॉन्ग है तो हमको मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करना है रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। और जो भी टेक्स्ट बॉक्स में हमने डाला है यूजर नेम पासवर्ड उसको क्लियर कर देते हैं, txt username dot clear, txt password dot clear, txt username dot focus। okay, form 2 को run करना है, so I'll go into properties and I will set startup form 2। इनिशियली मैं रॉन्ग यूजर नेम और रॉन्ग पासवर्ड डाल देता हूँ एंड जस्ट आई सी लॉग इन, तो ये मुझे बता रहा है रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद मैं यहाँ पर करेक्ट यूजर नेम डालता हूँ एंड rm123 लॉग इन सक्सेसफुल, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली एंड दिस फॉर्म इज ओपन्ड। तो अगर आप यहाँ पर अभी डेटाबेस में आपका यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर दोगे तो जो यहाँ पर आपने दिया है वही आपको लॉगिन फॉर्म में डालना पड़ेगा, तो ही जाके सक्सेसफुल लॉगिन होगा। तो काफ़ी सिंपल था डेटाबेस के थ्रू लॉगिन करना। इसी को आप यूजिंग डेटा रीडर भी कर सकते हो। डेटा रीडर के केस में आपको डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको रीड करना है। रीड करते समय आपको सिर्फ कनेक्शन को ओपन रखना है, सेम क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करनी है विद द हेल्प ऑफ डेटा रीडर। और यहाँ पर जहाँ हमने dt dot rows dot count लिखा है आपने लिखना है dr dot read। अगर रो मिल रहा है तो इट मीन्स द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इज करेक्ट, अगर नहीं मिल रहा है तो रॉन्ग। सो यू टेक दिस एज अ होमवर्क। और अगर वीडियो पसंद आया होगा सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट अगर सही में पसंद आया होगा तो। Thanks for watching.